नमस्कार दोस्तों, आज ज्यादातर लोगों को जब भी सहूलियत के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है तो वो अपना मोबाइल निकालते हैं, ऊबर ऐप पर डेस्टिनेशन डालते हैं और महज 5 से 7 मिनट के अंदर घर के दरवाजे पर खड़ी टैक्सी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले टैक्सी बुक करना ही लोगों के लिए टेढ़ी की हुआ करता था, पर अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐप के जरिए टैक्सी बुक हो जाती है। ऊबर ऐप का इसमें क्या रोल है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ऊबर किस तरह से पूरे देश में अपना बिजनेस चलाता है, वो भी महज एक ऐप के साथ। अब अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टैक्सी सर्विस ऊबर काम कैसे करती है, ये जानने से पहले आप ऊबर क्या है ये समझने की कोशिश करें। ऊबर महज एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, एक स्मार्टफोन ऐप है जिसका काम है ड्राइवर को राइडर्स यानी टैक्सी बुक करने वालों से मिलाना। साथ ही वो लोग जो अपनी गाड़ी को एज अ टैक्सी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो टैक्सी की सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ऊबर करता है। और हाँ, इसमें सबसे अहम बात, ऊबर की खुद की कोई टैक्सी नहीं है। अब देखा जाए तो नॉर्मली आपको टैक्सी का इस्तेमाल करना है तो आप घर से बाहर निकलो, टैक्सी पकड़ो, फिर आपको ऐप की जरूरत ही क्या है। पर ऊबर का लोड वहाँ आता है जहाँ पर टैक्सी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके पास टैक्सी नहीं है तो स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी आप अपने घर पर बुला सकते हो, वो भी इस ऐप के जरिए। ऊबर ने टैक्सी से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स को इस एक ऐप के जरिए सिंप्लीफाई कर दिया है और साथ ही साथ कुछ नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है टैक्सी ड्राइवर बनने की। किसी को पार्ट टाइम पैसे कमाने हैं जिसके लिए वो अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल कर सके। हालांकि ऊबर से पहले ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। ऊबर से पहले ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए कई सारी परमिशंस, कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आप कौन से देश में हैं, कौन से शहर में हैं। कई बार गाड़ी को कमर्शियली भी रजिस्टर कराना पड़ता था, स्पेशल लाइसेंस प्लेट भी लेनी पड़ती थी। ये सारे जो झंझट हैं ऊबर ने इसे खत्म कर दिया। साथ ही साथ इन झंझट से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती थी वो भी काफी कम हो गई। अब सवाल ये है कि ऊबर फेयर कैसे कैलकुलेट करता है, तो आपको बता दें इस कंपनी का बेस फेयर करीब 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर है जो बढ़ता घटता रहता है। उसके बाद कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कॉस्ट पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम, इनको जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है सर्ज मल्टीप्लायर। फिर इसमें बुकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जोड़ा जाता है। सर्ज मल्टीप्लायर अपने आप में एक बड़ी सोच है दोस्तों। हमेशा ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर टैक्सी बुक कराने वालों की संख्या कम होती है, कुछ जगहों पर टैक्सी ड्राइवर्स की संख्या ज्यादा होती है। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए सर्ज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ टैक्सी कम होती है और बुकिंग ज्यादा होती है, वहाँ के लिए ऊबर सर्ज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर टैक्सी बुक कराने वालों से 3 गुना चार्ज करता है। इसके लिए ऊबर अपने मैप को अलग अलग हेक्सागन का इस्तेमाल करता है। इसी के जरिए ऊबर टैक्सी बुक कराने वालों और टैक्सी ड्राइवर्स की संख्या को बैलेंस करते हैं। इस चार्ज का 20 से 25% काट कर ऊबर अपने पास रखता है और 70 से 80% टैक्सी ड्राइवर को दे देता है। अब जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ऊबर के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, आज के डेटा में तो बिल्कुल सही है, पर कुछ साल पहले ऊबर के पास कई गाड़ियां थी। ऊबर ने सोचा कि जिन जगहों पर टैक्सी बुक कराने वालों की संख्या ज्यादा है और टैक्सी ड्राइवर काफी कम है, ऐसी जगहों पर वो गाड़ियां लोन या लीज पर दे सकते हैं। इसी सोच के साथ ऊबर ने ऊबर एक्सचेंज की शुरुआत की। वो वीकली पेमेंट के आधार पर लोगों को गाड़ियां लीज पर देने लगा, पर ये प्रोग्राम फेल हो गया। ऊबर एक्सचेंज से ऊबर ने अपने हाथ खींच लिए, पर समस्या वही की वही रही। फिर ऊबर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसे फ्लीट मॉडल कहा गया। ऊबर का एक नया कॉन्सेप्ट फ्लीट मॉडल अब किस खेत की मूली है, चलिए ये भी जान लेते हैं। फ्लीट मॉडल के पीछे ऊबर की बड़ी सोच रही। ऊबर ने सोचा कि जिनके पास ढेर सारी कई कंपनियां हैं, जिनके पास बड़े पैमाने पर गाड़ियां पड़ी रहती हैं, इन्हीं को लेकर ऊबर ने फ्लीट ओनर्स और ड्राइवर्स को मिलाने का काम किया, जिसमें 2 तरीके रखे गए। पहला, वो ड्राइवर्स जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है वो फ्लीट ओनर से गाड़ी किराए पर ले लें। इसमें ड्राइवर गाड़ी के ओनर्स को वीकली रेंट पे करते हैं, वहीं जो कमाई ड्राइवर ऊबर के जरिए करता है उसमें से फ्लीट ओनर्स को कुछ नहीं देना पड़ता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि फ्लीट ओनर्स ड्राइवर को भी सैलरी बेस्ड हायर कर लें। इसमें ऊबर से होने वाली कमाई फ्लीट ओनर्स के पास रहती है। ऊबर बिजनेस मॉडल में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी एक जरिया है पैसे कमाने का। इसके जरिए गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फिर भी आप एक गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको ऊबर में ड्राइवर बनना है, पर आपके पास ना तो पैसे और ना ही गाड़ी है, फिर भी अगर आपको 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है तब आप अपने 10 दोस्तों से 50-50 हजार रुपए का कर्ज लेते हैं और एक तय समय पर पैसे लौटाने का वादा करते हैं, फिर गाड़ी खरीद कर ऊबर में ड्राइवर बन जाते हैं और दोस्तों से लिया गया लोन किश्त के रूप में वीकली पेमेंट करते हैं।
अब इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि ऊबर को अपनी कंपनी का नाम भी बदलना पड़ा था। अब जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ऊबर में प्राइवेट लोग भी अपनी गाड़ी को टैक्सी के रूप में चला सकते हैं। इसको लेकर सैन फ्रांसिस्को में साल 2010 में ऊबर पर केस किया गया था। इस देश की सिटी अथॉरिटी ने चार्जेस लगाए कि ऊबर गैर कानूनी तरीके से टैक्सी का बिजनेस कर रहा है। इस केस में ऊबर ने अपना पक्ष रखा कि वो टैक्सी नहीं चला रहे हैं, वो बस एक ऐप रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। वो टैक्सी में डील नहीं करते, वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। कुल मिलाकर वो बस एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। केवल सैन फ्रांसिस्को ही नहीं, आगे चलकर कई देशों ने ऊबर को कटघरे में खड़ा किया। ऊबर की इस दलील को कई देशों ने मान लिया, क्योंकि ऊबर ने साबित किया कि वो टैक्सी के बिजनेस में कोई डील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ऊबर कैब ने अपने नाम में बदलाव कर इसे ऊबर कर दिया, लेकिन कई देश ऊबर की इस दलील से कन्विंस नहीं हुए। अब सुरक्षा के लिहाज से भी ऊबर को कई देशों में परेशानी आई। अगर आप एक कंपनी है और आप किसी से अपने लिए काम करवाते हैं तो ऑन ड्यूटी उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है, लेकिन ऊबर में ये सुविधा नहीं है। टैक्सी चलाते वक्त अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो ऊबर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कुछ देशों में ऊबर को इस मुद्दे पर झटका लगा। भारत में भी ऊबर को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब साल 2014 में ऊबर की एक टैक्सी में एक लड़की का रेप किया गया। फिर सरकार ने भारत में ऊबर को बैन कर दिया था। हालांकि एक साल बाद कोर्ट के रास्ते ऊबर अपनी टैक्सी को एक बार भारत की सड़कों पर दौड़ा पाई। सरकार ने देखा कि ऊबर सिर्फ अपना लाभ देख रही थी, वो ना तो ड्राइवर के हित में कोई नियम बना रही है और ना ही टैक्सी बुक कराने वालों के हित में। फिर सरकार ने नियम बनाया कि ऊबर ड्राइवर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराए, साथ ही ये नियम बनाकर कि ऊबर अपना सर्विस प्राइस 1.5% से ज्यादा नहीं कर सकता, वहीं ऊबर अपना कट 20% से अधिक नहीं रख सकता है। साथ ही किसी भी ड्राइवर को 12 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जा सकता है। इन नए बदलावों के साथ ऊबर अपना बिजनेस मजे से चला रहा है। वैसे दोस्तों, अब ऊबर के रास्ते में जो भी परेशानियां आई हो, लेकिन ऊबर ने दुनिया को एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया जिस पर चलकर अब कई सारी कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। अब आपको ऊबर का ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।